देख सकते हैं कितने कबूतर भूखे हैं, बहुत सारे कबूतर आ रखे हैं छत पे इस टाइम और काफ़ी तेज़ी के साथ दाना उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक इधर न्यू कबूतर आई है जो हमने कुछ दिन पहले इसको पकड़ के आज़ाद किया था, वो अभी 4-5 दिनों के बाद आई है तो बताते रहती है। हे गाइस, वेलकम टू केव 7 क्रू। गाइस, तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें गाइस। तो वो कबूतर भी उतर गई है, आप देखें जिस कबूतर को हमने पकड़ के आज़ाद किया था, एक्चुअली वन टाइम ही पकड़ा मुझे, उसके बाद हमने उसने पकड़ना ही छोड़ दिया। हर दिन वो आती है छत पे, बट अभी कुछ टाइम उसे छत पे नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं गाइस कितने कबूतर भूखे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ दाने उठा रहे हैं छत से। और आज काफ़ी धूप भी है, हवा भी तेज़ चल रही है, इन कबूतर आज काफ़ी हैं। कल कुछ भी कबूतर, जंगली कबूतर कुछ भी नहीं थे, आज काफ़ी कबूतर आए। अब देखिए सब इधर उधर जाके बैठ गए कबूतर। एक एक करके सारे कबूतर इधर ही आ रहे हैं। चलते तो हे गाइस, आप अपनी छतों पे कबूतरों के लिए दाना डाल दिया करें और इस गर्मी में पानी डाल दिया करें छतों पे। कितने कबूतर के इसमें पंजे ख़राब है, हमने 2 दिन पहले वीडियोस में आपको दिखाए थे कबूतर जो पकड़े थे वो आइस बिल्कुल उसके चिपके हुए थे, वो खा नहीं पा रही थी बिल्कुल। काफ़ी तेज़ी के साथ दाना उठा लेते हैं, हमने इसको काफ़ी सारे दाने दे दिए अब तक, लेकिन ये जितने दे रहा हूँ उतने तेज़ से कबूतर बढ़ भी रहे हैं छत पे। काफ़ी कबूतर आगे दाने खा रहे हैं, आप देखें नीचे भी हमारे और खा रहे हैं। इस टाइम कबूतर बहुत हैं, किसी किसी दिन बिल्कुल कबूतर नहीं आते, किसी दिन बहुत ज़्यादा छत पे आते हैं कबूतर और तेज़ी के साथ दाना उठा के खा लेते हैं। तो आप ही देखें, आप छत पे काफ़ी भूखे होते हैं एक्चुअली। 2 दिन से देख रहा हूँ छत पे कबूतर बहुत कम आ रहे थे, बट अभी आज बहुत ज़्यादा आए हैं कबूतर। तो हर दिन इतने कबूतर होते नहीं हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है तो गर्मी की वजह से भी काफ़ी कम कबूतर होते हैं, बट आज टाइम देखें आप काफ़ी कबूतर भीड़ लगा रखे हैं बिल्कुल ही, और काफ़ी तेज़ी के साथ दाना उठा रहे हैं। चावल स्लो खा रहे हैं, बट ये खा रहे हैं। तो हमारे जो लॉफ्ट वाले कबूतर हैं उनको भी बाहर निकालने हैं, उसको भी बहुत लिमिटेड बाहर निकाल रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। गेहूँ तो सारे खा लेते हैं, राइस खाने में बहुत स्लो करते हैं। आपकी मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखें आप, जो हम सारे उठा लिए हैं, राइस स्लो उठाएंगे, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे वो राइस खाते हैं, बड़े कबूतर राइस बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो गाइस, हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें गाइस। अपने छतों पे कबूतर के लिए दाने डाल दिया करें, कबूतर ही क्यों, बहुत सारे पक्षी आते हैं जो पानी और दाने के लिए वेट करते हैं घरों के छतों के साइड में, बैलकनी वगैरह में। तो अपने जो घर के आस पास में जितने भी जगह हो वहाँ पे पानी और दाना डाल दिया करें इस गर्मियों में। आप देख सकते हो कितनी तेज़ी के साथ ये कबूतर दाने उठा रहे हैं, और कई कबूतर तो नीचे आए ही नहीं है, मैं कैमरा मूव नहीं कर सकता ना, सारे कबूतर उड़ जाएंगे इधर वाले। तो आप देख सकते हो, ये देखें ऊपर से ये 3 कबूतर आते हैं ऊपर से, कबूतर को जो दोनों थे अपने जोड़े ये ब्लैक वाइट के, ये हमने छत पे ले आके रख लिया इसको। छत पे लाने के बाद ये 2 दिन इधर ही रहती है, लेकिन ये बाहर मुझे देख कर खास करके ये परेशान हो रही है, 2 दिन से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रही है। आप देख सकते हैं शायद पानी नहीं मिल रहा उसके वजह से, आप देखें वो भी ऐसी परेशान हो रही है बाहर निकलने के लिए, और ये भी।
तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 गुरु। गाइस हमारी वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें गाइस, और अपने कबूतरों को पानी इस तरीके से दें फ्रेश पीने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे मटरासी के साथ जो जोड़े ऐड हो रखे वो कबूतर है। सिर्फ एक ही जंगली कबूतर आ रखी है छत पे दाने खाने के लिए, और कोई भी जंगली कबूतर नहीं है। आप इसे देख सकते हो इधर, और जो मेरे ये हाई फ्लायर कबूतर थे उसने फिर से अंडे खराब कर दिए, दोनों अंडे खराब कर दिए इस बार भी फिर से। ये देखिए कितना निकलने के लिए बाहर परेशान है ये। तो गाइस मेरी वीडियोस और लाइक वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने कबूतरों के लिए फ्रेश पानी फ्रेश दाने का इंतज़ाम हमेशा रखें। कभी भी गंदे पानी ना दें या फिर ओपन पानी बिल्कुल ना दें। अगर दे रहे हैं तो टाइम से पानी चेंज करें उन्हें। तो मैं जब से इसको रखा हूँ यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही है, बट क्या है कबूतरों में थोड़े से जब नए घर में किसी में शिफ्ट करो तो ये थोड़े फाइटिंग ज़रूर करते हैं, तो ये थोड़े फाइट कर रही थी कल। और ये ब्राउन वाली कबूतर से ज़्यादा ही फाइट हो रहा था इसका, वाइट वाली है फीमेल देखे उसका जोड़ा, ये भी इधर ही है कि। और गाइस इस बार ही हाई फ्लायर तो हद ही कर दिया, हर बार ही अंडे, तीसरी चौथी बार हो लिया इसका अंडे ख़राब करते हुए, 4 टाइम अंडे ख़राब हो गए हैं इसके हाई फ्लायर के। तो इसका भी कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा कि ये इस अंडे को ख़राब क्यों कर रही है। और देखिए कुछ कबूतर अभी ज़्यादा आए हैं यहाँ पे छत पे खाने के लिए, मैंने इनको अभी दाना दिया था। अभी देखें 8-10 कबूतर आ रखे थे, अभी कुछ गए उड़कर खाकर, ये कुछ खा रहे अभी छत पे। और मेरी ये मद्रासी कबूतर थोड़ी स्लो सी लग रही है, पट्टा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पट्टा है ये, लेकिन आज थोड़ा स्लो सी बैठ के बिल्कुल स्लो में बैठी हुई है, इसको बाहर निकाल भी नहीं सकता। मैं बाहर निकालने के लिए सोच रहा था वो हाई फ्लाई वाले कबूतर के अंडे क्यों ख़राब हुए इस बारी, तो मेरे को पता नहीं है। 2 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया इसका जो अंडे ख़राब हुए हैं। और ये ब्राउन वाली भी कबूतर अब तक कोई अंडे वंडे इसके जोड़े लगे नहीं है, उस कबूतर के साथ ब्राउन के साथ ऐड हुई थी बट अब तक कोई अंडे दी नहीं है उसमें, ऐसे वो बैठी हुई है। तो मैं अपनी लॉफ्ट भी क्लीन करने वाला हूँ, और थोड़े एक दूसरा नया एक कबूतरों के लिए सेटअप बनाने वाला हूँ जो सिर्फ ब्रीडिंग सेटअप होगा, और यहाँ पे जितने भी पट्टे होंगे सिर्फ पट्टों के लिए घर होगा ये, बाकी ब्रीडिंग सेटअप सारे नीचे शिफ्ट कर दूंगा ताकि देखभाल थोड़ा अच्छी तरीके से हो पाए। ये अंडे हाई फ्लायर ने क्यों ख़राब किया वो रीज़न समझ में आएगा, थोड़ा क्लीन रखेंगे और थोड़ा कबूतरों को फ्री रखेंगे। तो इसके लेकर मैं सोच रहा हूँ जितने भी ब्रीडिंग सेटअप है हमारे वो सारे नीचे शिफ्ट कर दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, और ब्रीडिंग सेटअप आप वहीं रखें जहाँ आप इजली आराम से कबूतरों को जगह और घोंसले को देख सकें, कोई गंदगी नहीं है कुछ ख़राब नहीं है। तो उसके हिसाब से इस कबूतर ने भी बहुत बारी अंडे ख़राब किए तब जाके ये पट्टा एक निकला था, ये ब्लैक पट्टा निकला था मद्रासी का। तो गाइस आप देखें एक अंडे ही दिख रही है हाई फ्लायर वाले कबूतर पर बैठी है, उस पर एक अंडा ख़राब हो गया।